छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता प्रकाश अवस्थी ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में धूम मचाने के बाद अब राजनीति में कदम रख दिया है। जहां 14 फरवरी को धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जब उनसे पूछा गया कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि पार्टी अभी तय नहीं हुई है, सबसे पहले जनता की सेवा है, दूसरे नंबर पर पार्टी। राजनीतिक पार्टियां तय करें कि उनको टिकट देंगी या नहीं। अगर राजनीतिक पार्टियों से टिकट नहीं मिला तो वे जनता की सेवा के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजनीति में आने के सवाल पर प्रकाश अवस्थी ने कहा कि वे बहुत दिनों से सोच रहे थे कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जनसेवा ही इंसान का प्रथम धर्म होता है। प्रकाश अवस्थी ने साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की दशा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जहां लोग मनोरंजन के नाम पर या तो शराब पी रहे हैं और युवा जुआ खेल रहे हैं। कुछ नीतियां तो ऐसी बनी हैं कि हमारे गांव के नौजवान बेकार होते चले जा रहे हैं, जबकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश सिन्हा ने अभिनेता प्रकाश अवस्थी से बातचीत की है, इस दौरान क्या बातचीत हुई ये आइए। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं सियाजे न्यूज चैनल। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के एक जाना पहचाना छत्तीसगढ़ के कलाकार प्रकाश अवस्थी जी, जो विगत 20 वर्षों से छत्तीसगढ़ी फिल्म को जी रहे हैं। ऐसे हमारे कलाकार आज हमारे धमतरी माँ विंध्यवासिनी की पावन धरा में उपस्थित है और एक बड़ी घोषणा आज उनके द्वारा किया गया है। वो 2019 लोकसभा चुनाव जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा के लिए करने के लिए अग्रसर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला कि वो छत्तीसगढ़ी फिल्म से राजनीति में आने का उनका सफर कैसा रहा। नमस्कार, मैं मूल छैया भैया के बाद से लगातार फिल्म में हूँ, मूल छैया भैया से। और हम पिछले 20 वर्षों में ये स्थिति रही है कि बहुत शोहरत मिली मैं डूरा रिक्शा वाला, मतलब मयाला तो अच्छा प्रतिशत 6 महीने तक के धमतरी के टॉकी से नहीं उतरी, पूरा रिक्शा वाला के लगभग शूटिंग दमदार मयारू गंगा ये सारा फिल्म में धमतरी में करे, ये मोर कर्मभूमि है। और यहाँ के जनता के वो प्यार मिले मुझे लंबे कभी भुला नहीं सका और बता नहीं सका कि कब का प्यार मिले। सोचा रहे हो 20 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े, गाँव गाँव में थिएटर खुले ताकि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन मिले। जबकि आज गांव में केवल मनोरंजन के नाम पे या तो शराब पिए जाते हैं या किनारे में बैठ के जुमा खेले जाते हैं, तो एक ही हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए। ले देखिए अभी अभी फिल्म विकास निगम के गठन किए गए, सोमा भी अभी बजट जब आई उसको बजट में 1 रुपये नहीं दिए गए 16। किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ाओ, कैसे हम लोगों के मनोरंजन करवो। जबकि मैं एक ऐसे कलाकार भी हूँ, एक ऐसे निर्माता हूँ जो लगातार पैसा गंवाए हैं ये छत्तीसगढ़ी फिल्म में, लेकिन नाम मिले शोहरत मिले तो मैं भगवान के धन्यवाद करता हूँ, आप सबके धन्यवाद करता हूँ। मोला लगते कि जीवन में मानव सेवा यानी कि अपन आसपास के लोगों के सेवा ही सबसे बड़े धर्म होते हैं। अवस्थी जी, ये आप छत्तीसगढ़ी फिल्म से राजनीति में आए थे, वजह आए हो ओकरे वजह की भूमिका बता दूँ कि मोला लगते कि मानव सेवा ही सबसे बड़े धर्म है। और मानव सेवा मैं जबकि अपन भाई बहनी मन के यानी कि अपन छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की सेवा नहीं कर पाता हूँ, आगे बढ़ाया गया है और कोशिश करें बावजूद नहीं कर पाता हूँ, तो मानव सेवा कैसे कर पाते हैं, आसपास के अपन छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के सेवा कैसे कर पाते हैं। तो बहुत सोच विचार के बाद में मुझे समझ में आई कि नहीं, मुझे राजनीति में आना पड़ेगा और राजनीति में आए के बगैर मैं ये सेवा नहीं कर पाऊँ, और यही वजह से मैं अपन छत्तीसगढ़ी भाई बहनी मन की सेवा करेगा, अपन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगा ताकि गांव में स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध हो सके। केवल शहरी मन के हक नहीं है कि मॉल में फिल्म देखें, गांव गांव में एक छोटे छोटे मॉल जैसे होना चाहिए, एक हल्ली में प्रयास। लोकसभा चुनाव आप जो है कौन से पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी के अभी डिसाइड में नहीं करे हम, चला थे मामला हम अपन स्तर पर, मैं प्रयास करा था और मोला लगे कि मोर ये यहाँ के जनता सर्वोपरि परी है, उसका सेवा सर्वोपरि परी है, पार्टी मोर लिए सेकेंडरी है, तो समय आए तो वो बात भी आपने सोचा। अगर कांग्रेस या भाजपा से अगर आप लाफर मिल गए तो आप कौन सी पार्टी चयन करो, ये तो वक्त बताही और वक्त आ ही तो आप सब लग पता चल जाएगी, और वो प्रयास जारी है, बहुत जल्दी सारा चीज के भी आपके पास में निकल के खुलासा। अगर आप संसद बंद हो तो आपके प्रथम उद्देश्य क्या रहे? प्रथम उद्देश्य ये रही कि मैं गांव गांव में जाकर के लोगों को मिलूं, उनका बात ल समझूं। मैं मोला लगता है कि मैं
जब मैं अगर सांसद बन जाऊं तो अक्का दौरा करूं, अक्का दौरा करूं गांव गांव के, कि जब का आशा कोई ना करे। बस मैं हमेशा से एक कहावत है ना कि सर फिरे इतिहास रचते हैं, बाकी सब तो उस इतिहास को पढ़ते हैं। और हीरे की चमक देखनी है तो रात का इंतजार करो, अरे दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो समय आए तो समझ में आता है। जितुरी से प्रकाश अवस्थी जी जिन पर बात हमारे चैनल के बीच में रखी है। कलाकार ला हमारे छत्तीसगढ़ में जरूरत है और जिन छत्तीसगढ़ी फिल्म से जनता की सेवा के लिए अग्रसर होते हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पूरी टीम की ओर से अवस्थी जी ला बहुत बहुत अग्रिम बधाई। आप बिल्कुल जनता के बीच जुड़ के आओ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।